स्वागत है। आइए जानते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। मोदी नगर के हॉस्पिटल चौक स्थित IMA हॉल के सामने स्थित एक घर में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां पहुंची, मौके पर प्रशासन भी मौजूद। फाइनेंस कर्मी से 50,000 की लूट, बाइक पर सवार 3 लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस की कार्यवाही पर फिर उठा बड़ा सवाल। औराई थाना के रामपुर के पास दिन दहाड़े लूट। अभिनेत्री आर्या बनर्जी कोलकाता में अपने घर पर मृत पाई गई। घर अंदर से बंद था, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। क्रिसमस पर झारखंड में पटाखे छोड़ने और सजावट पर रोक, मिशनरी संस्थाएं बना रही गाइडलाइन, मिसा में 60 लोगों की एंट्री। तिलैया थाना क्षेत्र के भागोडी में जैसवाल मोबाइल सेंटर में रेलवे का अवैध ई टिकट बनाने का गोरख धंधे का हुआ पर्दाफाश। RPF को डरमा ने 12 ई टिकट किया बरामद। दुकान संचालक सत्यजीत जैसवाल को RPF ने किया गिरफ्तार। मनिका थाना क्षेत्र के गरमाही मोड़ के पास स्कॉर्पियो और ऑल्टो कार में हुई जोरदार टक्कर। ऑल्टो कार सवार एक व्यक्ति की घटना स्थल पर हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस। हटिया विधायक नवीन जायसवाल के सरकारी आवास को खाली कराने के मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक विधायक के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। मोदी नगर मुख्य पथ पर करकट चौड़ा के निकट हुई सड़क दुर्घटना में SP अभियान विवेकानंद सिंह हुए घायल। मंडार के मिशन स्थित कॉन्टैक्ट लिवंस हॉस्पिटल में चल रहा उनका इलाज। रांची जिले के टाटा सिल्वे थाना क्षेत्र के महिलाओं बंडकुबर स्थित बंद पत्थर खदान से अतुल टोपो का शव बरामद किया गया। युवक 5 दिसंबर से लापता था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटनास्थल पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है।